अब हम देखेंगे कि अगर ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है और साथ में स्ट्रिंग पुली से पास कर रहा है, यानी पुली का यूज देखेंगे हर प्रॉब्लम में, कहां कहां पुली हम लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी देखेंगे फिक्स्ड पुली के लिए। फिक्स्ड पुली के लिए एक क्वेश्चन देखें हम कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मान लीजिए ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक हमने यहां पर इस एज पर एक पुली लगा दिया, मासलेस पुली। यहां पर एक ब्लॉक है, दिस मास M1, और यहां से स्ट्रिंग पास कर रहा है मासलेस स्ट्रिंग पुली के सहारे, और इस जगह पर दूसरे एंड पर एक मास M2 को हमने कनेक्ट कर दिया। अभी क्या होगा? अगर आप ये सोच रहे हो कि मास M2 अगर कम होगा M1 से तो सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि लॉजिकली लोग यही सोचते हैं और आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, बट ये चीज ध्यान रखना कि ब्लॉक जो रखे हुए हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर कभी भी कितना भी कम मास दे दो इसको, चाहे कितना बड़ा कर दो इसको, ये डिलीवरिंग मास कितना भी कम होगा सिस्टम चल पड़ेगा। इसलिए याद रखना ये सिस्टम हर हाल में चलेगा और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड होगी, ये नीचे चलेगा ये राइट साइड चलेगा। अभी हमने पीछे प्रूफ किया था कि अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड दो बॉडी हैं विद द मेथड ऑफ लेंथ कंस्ट्रेंट, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। यहां पर भी क्या होगी? दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, सिर्फ अंतर ये होगा दोनों के डायरेक्शन अलग होगा। एक ये ब्लॉक अगर नीचे चल रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो दूसरा ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से राइट डायरेक्शन में चलेगा। हमें फाइंड क्या करना है? अगेन वही फाइंड करना है कि सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी और टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर। नाउ वही काम फिर दोबारा से, आइडेंटिफाई द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम and draw the corresponding free body diagram and apply Newton's second law, sum of the all the forces in direction of the acceleration of the body is equal to mass into acceleration in that direction. तो ये चीज यहां पर हम अप्लाई करें फ्री बॉडी डायग्राम में, यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? M2g। यहां कौन सा फोर्स लगेगा? M1g। वेट हो गया, ग्रेविटेशनल पुल हो गया। इस जगह पर टेंशन, एक ही स्ट्रिंग है टेंशन सेम होगा। नाउ अब अगर देखें इसी में कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ये बॉडी नीचे आ रही है, इसका मतलब कि डिलीवरिंग फोर्स M2g इस टेंशन पर डोमिनेंट है, तभी जाकर कि ये बॉडी नीचे आएगी। उस हालात में अगर इसकी इक्वेशन लिखा जाए तो हो जाएगा M2g - T = M2a। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन, हमने ही पढ़ा है। दूसरा M1 के लिए, M1 के लिए रिस्पॉन्सिबल इज ओनली टेंशन जो इसको खींच रहा है, तो T = M1 * a। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ एड अप बोथ द इक्वेशन, T and T गेट कैंसल्ड, so this is equal to M2g = M1 + M2 * a। again the same concept, delivering force equal to mass into acceleration, delivering force equal to total mass system का, क्योंकि दोनों body same acceleration से आ रही है, तो दोनों मिलकर के अगर हम सोचें कि combined mass है तो combined mass into acceleration, so acceleration is equal to, this implies acceleration is equal to M2g / M1 + M2। यहां से हमने acceleration calculate कर लिया। अब इस acceleration की value equation 2 में डाल दें तो क्या आ जाएगा? Tension। Therefore, from equation 2 क्या लिखेंगे? Tension is equal to M1 * M2 * g / क्या? M1 + M2। तो इस तरीके से हमने सिस्टम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करी, इस तरीके से हमने स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करा। दूसरा देखें, एक सिचुएशन और है
कि अगर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर है और पुली इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर लगी है, तब कैसे हम सिचुएशन को रियलाइज कराएंगे। मान लो सिचुएशन ये है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन थीटा दी हुई है। यहां पर हमने पुली लगा दिया इसके टॉप पर, इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस है, एक ब्लॉक यहां पर हमने रखा M1 मास का, स्ट्रिंग के सहारे दूसरा ब्लॉक यहां पर अटैच हो गया, इसका मास M2 है। सिस्टम अगर फ्री छोड़ोगे तो इस जगह पर थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि किस डायरेक्शन में बॉडी की एक्सीलरेशन होगी यहां पर। अब एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जहां भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि सिस्टम किधर चलेगा, आप पता नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी डायरेक्शन एक्सीलरेशन का एज्यूम कर लेना, एंड लास्ट में रिजल्ट सॉल्व करने के बाद में अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम ये कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में बॉडी चल रही है। अगर बाय द वे सॉल्व करने के बाद एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप ये कहेंगे कि बॉडी की एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि सिस्टम चलेगा किधर। चलना तो तय है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, चलेगा, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकते आप इस तरीके से। तो हम करेंगे क्या, हम एक कन्वेंशन यूज करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि सिस्टम इधर चल रहा है, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली अगर ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो कहेंगे सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अगेन सेम सिचुएशन यहां पर भी है, पहले आइडेंटिफाई करो कि फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, फिर उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अब यहीं पर देखिए, यहां पर एक फोर्स तो लग गया M2G वेट, दूसरा क्या लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेट टेंशन इन द सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग 0, यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, यहां पर इस पर वेट M1G एक्ट कर गया, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था नॉर्मल रिएक्शन का इंक्लाइन प्लेन पर, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां पर भी, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक प्लेन के पैरेलल होगा। अब देखिए, अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो M1G का इधर कंपोनेंट हो जाएगा M1G cos थीटा, और इधर हो जाएगा M1G sin थीटा। देखिए ये सिस्टम नीचे आ रहा है तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट M2G माइनस टी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इस बॉडी की इक्वेशन अगर हम बनाएं तो लिखेंगे टी माइनस, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो टेंशन डोमिनेंट होगा mg साइन थीटा पर, दैट इज M1G साइन थीटा के ऊपर, तो टी माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये दो इक्वेशन आप सॉल्व कर लें तो टी और टी कैंसिल, क्या बच गया, तो M2 माइनस M1 साइन थीटा इंटू जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आ गया, तो M2 माइनस M1 साइन थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद। अभी मैंने बताया कि सॉल्व करने के बाद आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, अगर यहाँ पर सिस्टम के मासेस आपको दिए हैं तो उसकी वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रही है तो हम ये कहेंगे कि एक्सीलरेशन का सेंस वही होगा जो हमने एज्यूम किया है। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रही है तो हम ये कहेंगे कि एक्सीलरेशन का सेंस अपोजिट होगा जो हमने एज्यूम किया है।
सवाल ये है टेंशन कैसे कैलकुलेट करें। तो फिर वही सिचुएशन, अगर इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, तो उस जगह से टी आ जाएगा एम टू जी माइनस एम टू ए। एंड सॉल्व करने के बाद आप देखें कि क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो गया, तो टी इज इक्वल टू एम टू इंटू जी माइनस एम टू इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है, तो m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। अब आप देखिए m2 जी अगर बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां पर 1 बचा। अगर इस जगह पर हम इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन क्या बन पाएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन था m2 जी माइनस t इक्वल टू m2 इंटू ए, तो t हो जाएगा हमारा m2 g माइनस m2 इंटू एक्सीलरेशन। एंड आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू m1 m2 इंटू वन प्लस साइन थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए एक न्यूमेरिकल और देखें पुलिस रिलेटेड, मान लीजिए कि ये एक मासलेस फिक्स्ड पुली है और इस मासलेस फिक्स्ड पुली से एक मासलेस स्ट्रिंग पास कर रहा है जिसके वन एंड पर एक मास हमने अटैच कर दिया, इधर से भी इसके दूसरे एंड पर एक मास, आइडेंटिकल मास हमने अटैच कर दिया। अब इसमें हम एक और मास अटैच करना चाह रहे हैं, तो एक स्ट्रिंग और हमने यहां से लगा दी और इसमें एक और मास हमने अटैच कर दिया, सेम मास। हमें बताना है, अभी तक हमने देखा था कि सिंगल पुली में सिंगल स्ट्रिंग से ब्लॉक एक्सीलरेशन, यहां पर सिंगल पुली फिक्स पुली में सिंगल स्ट्रिंग प्लस दूसरे स्ट्रिंग से भी अटैच ब्लॉक है, उस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहां पर यह चीज देखेंगे कि अगर यह सिस्टम नीचे चलेगा, जितना नीचे आएगा उतना ही यह नीचे आएगा, उतना ही ऊपर जाएगा, यानी तीनों सिस्टम की एक्सेलरेशन यहां पर सेम होगी, जितनी एक्सेलरेशन इसकी होगी उतनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। और यहां पर कन्वेंशनली आप ये कह सकते हैं, यहां पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कन्वेंशनली कि ये सिस्टम नीचे चलेगा और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर का लोड ज्यादा इधर का लोड कम है। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाए, तो इस जगह पर वेट एम जी टेंशन टी, आप इसके अंदर टेंशन टी वन मान लो और यहां पर टेंशन टी टू मान लो, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है, इसलिए यहां भी टेंशन सेम होगा, लेकिन नेट टेंशन इन द सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग जीरो हो गया। यहां पर mg, एक फोर्स इस ब्लॉक का भी mg लगेगा नीचे। अब देखिए अगर हम इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो सिर्फ ये पोर्शन fbd में आएगा, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो सिर्फ ये पोर्शन उसका फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, और इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो सिर्फ ये पोर्शन फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा। अब इन तीनों फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे हम अगर इक्वेशन लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा इसका, दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस टी वन इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। इसका इक्वेशन लिखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी प्लस टी वन, दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस टी वन माइनस टी टू इक्वल टू एम इन टू ए। एंड इस ब्लॉक की अगर इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, टी टू माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, इस mg से ये mg कैंसिल, तो क्या बच गया, mg इज इक्वल टू 3ma। देखिए यहां पर ma 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 3ma, दिस इज इक्वल टू mg,
दिस इंप्लाइज mg इक्वल टू 3ml. अब देखिए यहां से m से m कैंसिल हो गया, देयरफॉर a हो गया कितना g by 3. यानी एक्सीलरेशन सिस्टम का मिल गया कि ये सिस्टम नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इनकी एक्सीलरेशन क्या होगी, दिस इज इक्वल टू g by 3. अब अगर इस एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दें, अगर यहां हम डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो टी वन आ जाएगा, और अगर हम यहां डालते हैं थर्ड इक्वेशन में तो टी टू आ जाएगा. तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड व्हाट कि टी टू इज इक्वल टू एम ए, ए हो गया हमारा जी बाई थ्री प्लस एम इन टू जी, दिस इज इक्वल टू फोर एम जी बाई थ्री. ये आ गया हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग टी टू. अब अगर हम देखें कि यहां पर फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं, तो टी वन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए. ए कितना हो गया, तो ए की वैल्यू अपनी जी बाई थ्री है, दिस इज इक्वल टू जी बाई थ्री. तो थ्री एम जी माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू टू एम जी बाई थ्री. तो इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट कर लिया एंड सिस्टम की एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर ली, दैट मीन्स जी बाई थ्री एंड टी टू इस स्ट्रिंग में टेंशन 4 एम जी बाई थ्री एंड टी वन इस स्ट्रिंग में टेंशन 2 एम जी बाई थ्री. कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग दिस एंड स्ट्रिंग दिस. तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, टी वन आपके पास है, टी टू आपके पास है, तो टी वन बाई टी टू अगर हम करते हैं तो 2 एम जी बाई थ्री अपॉन 4 एम जी बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू 1 बाई टू. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ अगर देखें एक दूसरा क्वेश्चन देखें, इंक्लाइन प्लेन पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये बेस हो गया एंड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन. ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, ये लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर. फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इसके टॉप पर पुली लगी है, इस पुली से अटैच्ड ये दो ब्लॉक्स हैं, आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं ये. ये ब्लॉक का मास भी m है, इस ब्लॉक का मास भी m है. क्वेश्चन में दे रखा है कि m इक्वल टू 1 kg. लास्ट में डेटा पुट करेंगे. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम a एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर. देखिए सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा. ये मान लेते हैं एंगल अल्फा है, ये मान लेते हैं एंगल बीटा है, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन में हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी. अब एक चीज और, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया. इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री हो गया. तो हम लिख सकते हैं इस फिगर से कि साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3/5, एंड साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 4/5, दिस इज 4/5. इन दो एक्सप्रेशन से हमें यह पता चल गया कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये हमें मिल गया इस जगह पर. अब यहां पर फिर अगेन प्रॉब्लम वही है कि किस डायरेक्शन में सिस्टम मूव करेगा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है. तो आप एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कोई भी एक एज्यूम कर लो और उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन फाइंड कर लो. अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारा एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में जो हमने एज्यूम किया है वो करेक्ट होगा, अगर नेगेटिव आ गया तो उसके अपोजिट हो जाएगा. अब अगर इस जगह पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो फ्री बॉडी डायग्राम में इधर फोर्स लग जाएगा एम जी साइन अल्फा, इधर नॉर्मल रिएक्शन. अब इस ब्लॉक पर हम देखें तो इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया एम जी साइन बीटा, ठीक है. इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ब्लॉक सेम मास का है, नॉर्मल रिएक्शन सेम एक्ट करेगा. एंड इस डायरेक्शन में एम जी कॉस बीटा.
अभी हमने कहा कि आपको एक्सेलरेशन इसमें प्रेडिक्ट करना होगा। हमने एज्यूम कर लिया कि इधर ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेशन ए से चलेगा, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। अब अगर हम देखें इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, अब ये ब्लॉक जब नीचे आ रहा है तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? इसकी इक्वेशन लिखेंगे एम जी साइन बीटा माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज एम जी साइन बीटा डोमिनेंट होगा टेंशन पर तभी जाकर नीचे आएगा, और तब इक्वेशन हो जाएगा नेट फोर्स ऑन द मास एम इक्वल टू एम जी साइन बीटा माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नाउ इस ब्लॉक के लिए अगर देखें तो इस ब्लॉक पर टेंशन डोमिनेंट होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है ये, तो यहां पर नेट फोर्स हो गया टी माइनस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, टी से टी कैंसिल, क्या बच गया? एम जी अगर कॉमन ले ले तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। साइन बीटा हमारे पास 4/5 है, तो वैल्यू यहां पुट कर दें 4/5 माइनस साइन अल्फा 3/5 है, दिस इज 3/5 इज इक्वल टू 2ma, ma प्लस ma, हमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को। अब देखिए इस जगह m से m कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4 - 1 = 3, दैट इज 3g/5 इज इक्वल टू 2a। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, यानी कि जो हमने एक्सेलरेशन एज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, ये यहां से हम कह सकते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाती तब हम कहते कि जिस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। अब अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दे तो टेंशन आ जाएगा। देयरफॉर अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन वन, तो टेंशन कितना हो गया? एम जी साइन बीटा, दैट इज एम जी साइन बीटा कितना है? 4/5, दिस इज इक्वल टू 4mg/5 माइनस एम इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है? 3g/10, दिस इज इक्वल टू 3g/10। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो गया 10, 5 × 10 एंड 4 × 8mg माइनस 3mg, दिस इज इक्वल टू 5mg/10, 5 × 10 दिस इज इक्वल टू mg/2। ये हमारा टेंशन कैलकुलेट हो गया mg/2। अब एक चीज ध्यान दें कि mg/2 में m की वैल्यू 1 kg है, तो दिस इज इक्वल टू 1 × g/2। अगर g की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन में तो टेंशन 5 N आ जाएगा, और इस जगह पर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? तो g की वैल्यू अगर 10 हम ले लेते हैं तो 3 m/s². तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू सिंगल पुली। देखिए एक न्यूमेरिकल और देखें। न्यूमेरिकल ये है कि इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन से एक पुली अटैच्ड है, एंड इस पुली से एक मासलेस स्ट्रिंग पास कर रहा है इस तरीके से। यहां भी एक सिंगल पुली है और यहां पर मास है, ये मास m है। इस स्ट्रिंग का दूसरा एंड भी एक मास से अटैच है, जो मास इंक्लाइन प्लेन पर है, जिसका मास 2m। इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन दे दी गई है 30 डिग्री। सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बताना यह है कि सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। यहां पर देखिए ये मास इंक्लाइन प्लेन के नीचे आएगा, ये मास राइट डायरेक्शन में आएगा, यानी यहां पर तो एक्सीलरेशन फिक्स्ड है, कम से कम डायरेक्शन प्रेडिक्टेबल है कि ये नीचे ही आएगा और ये
लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि इधर जा नहीं सकता है, बिकॉज इधर ये तभी मूव करेगा जब कोई फोर्स लगा खींचा जाए, अदरवाइज ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के नीचे मूव करेगा और उसके बाद ये लेफ्ट साइड मूव करेगा। देखिए सबसे पहले हम फोर्स इस पर देखें, फ्री बॉडी डायग्राम के तहत कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पर। इस ब्लॉक पर देखें तो एक फोर्स लग गया mg, एक लग गया नॉर्मल रिएक्शन, दो फोर्स, एक स्ट्रिंग का टेंशन। इस पूरे स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा बिकॉज दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग, और आपको पता है कि अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह सेम होगा। बट यह ध्यान रखना है कि नेट टेंशन इन अ सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग क्या होगा, जीरो। अब इस ब्लॉक पर देखिए, इस डायरेक्शन में 2mg, इधर नॉर्मल रिएक्शन n डैश, इधर फोर्स कितना हो गया तो 2mg cos 30, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा तो mg sin 30 डिग्री। अब देखिए अगर ये एक्सीलरेशन a से इस साइड मूव करता है तो ये ब्लॉक भी एक्सीलरेशन a से इस साइड मूव करेगा। तो इस जगह पर अगर हम इक्वेशन लिखें इस ब्लॉक के लिए, तो यहां पर ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि mg sin 30 डोमिनेंट हो गया t से, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2m कितना हो गया तो दिस इज इक्वल टू mg sin 30 माइनस t इक्वल टू 2m इंटू a। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है कि सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या होगी एंड स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ये हमें डिटरमाइन करने के लिए एक इस सिस्टम का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक उस सिस्टम का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, अगर हम इसको इक्वेशन वन नहीं एज्यूम करें, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसको, तो इसको लिख सकते हैं mg इंटू 1/2 माइनस टी इक्वल टू ट्वाइस एम इंटू ए। एक चीज और यहां पर देखिए, मास 2m है तो यहां पर 2mg sin 30, मास 2m है दैट इज 2mg sin 30। अब यहां पर भी 2mg इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से इक्वेशन क्या बन गया हमारा, mg माइनस टी इक्वल टू 2m है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा सेकेंड बॉडी की इक्वेशन क्या बनेगी, तो इस टेंशन के कारण ही ये बॉडी मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो इसका इक्वेशन में सिर्फ टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको चलाने के लिए, तो t इक्वल टू एम ए। अगर इसको आप सॉल्व करें तो t से t कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू mg इक्वल टू 3m इंटू ए, और तब m से m कैंसिल, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू g बाई 3, यानी एक्सेलरेशन सिस्टम का आ गया g बाई 3। g बाई 3 से ये 2m नीचे आएगा एंड g बाई 3 से m भी मूव करेगा। नाउ अब इस a की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू m इंटू a, a की वैल्यू कितनी हो गई mg बाई 3। तो इस तरीके से अभी हमने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए सब के अंदर आपको एक ही चीज देखने को मिला होगा, हर जगह हमने क्या किया, अगर सिंगल स्ट्रिंग है टेंशन बैलेंस किया, अगर बॉडी है दो या दो से ज्यादा सिस्टम है तो उस पर हमने फोर्स की आइडेंटिफिकेशन करी। तो शुरू से मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, नंबर वन आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नंबर टू ड्रॉ द रेस्पेक्टिव फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ ऑल द फोर्सेज, नंबर थ्री अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू sum of the all the forces in direction of the motion of the system equal to mass into acceleration in that direction। अगर ये तीन चीज आप यूज करते हैं इंटायर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान, तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर पुली से रिलेटेड इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन कैसे सॉल्व की जाती है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तब क्या होगा।